मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि धूप है, आप लोग काम छोड़ करके आए हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सांसद क्या होता है और आपको वोट क्यों देना चाहिए। हम लोग वोट दें एक अच्छी सरकार के लिए, हम वोट दें एक अच्छे सांसद के लिए, लेकिन 5 साल में आपको मौका मिलता है सांसद को वोट देना। अगर सांसद अच्छी हैं या अच्छे हैं तो फिर आपकी मदद हर दफा करते हैं। अगर विधायक अच्छे हैं तो वो उसी तरीके से आपकी मदद करते हैं। जब भी आप वोट देते हैं, चाहे मंडल पर, चाहे ब्लॉक प्रमुख को, चाहे आप गांव के प्रधान को, तो ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। अगर आपको लगता, अगर आप केवल बिरादरीवाद पर देंगे, जातिवाद पर देंगे, कौम पर देंगे, तो जो बंदा जीतता है वो कम काम करता है लोगों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए तो वो करता ही नहीं है, और दूसरों के लिए कब जब मन करे सो करता है। लेकिन अगर कोई सेवक आ जाए जो सबके लिए करे, तो ये सोचना पड़ेगा कि हम उनको जिता करके हम क्या पाएंगे। मैं 5 साल पहले जब आई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए माहौल बदल करके रखूंगी। उस समय आप लोग निराश थे, सांसद आते थे जाते थे, लेकिन आपके यहाँ अगर आपके घर पर अतिक्रमण हुआ, आपकी पति बीमार हो गए, आप लखनऊ में वेंटिलेटर चाहते थे, आपकी यहाँ जमीन छीनी गई, आपका बिजली का बिल एक, जब मैं आई थी तो एक बल्ब पर 2-2 लाख के बिल आते थे, बात सही है कि नहीं सही है? आपके मुद्रा योजना एक भी बंदा को लोन नहीं मिला, आपके सड़कें तो थे ही नहीं, एक वरुण बनाकर के गए, बड़े बड़े सड़कें, लेकिन बहुत सारे रह गए, जैसे हमेशा रहते हैं, अभी भी रहे। लेकिन ये सब कामों के लिए आपके पास कोई बंदा भी नहीं था कि आप किसके पास जाएं। अगर मैं आपके, कोई आपकी जमीन छीनता था तो किसके पास जाएं? पुलिस वाले ना सुने, ना एसडीएम काम पर आए, ना लेखपाल 2-2 साल के लिए शक्ल ना दिखाए, बात सही है कि नहीं सही? अब आपको मालूम है कि अगर कोई भी तकलीफ हो तो मेरे पास आ सकते हैं। और अभी तक 70-80 हजार लोग ने अपना काम करवाया है। आप लोगों ने बड़े बड़े काम मांगे, आपने कहा हमको मेडिकल कॉलेज दे दो, नवोदय दे दो, आईटीआई दे दो, रेडियो स्टेशन दे दो, आपने कहा कि हमको कृषि विज्ञान केंद्र दे दो, फायर ब्रिगेड दे दो, हमको सड़कें दे दो, हमको बिजली का समाधान करवाओ और बिजली के सारे तारे बदलो, हमारे आपने जो कहते गए हम करते गए। और मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार के लोगों को, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी, कि जब भी मैंने कुछ मांगा उन्होंने दिया, और हम लोग देते गए देते गए। आपने कहा हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल में तैयारी नहीं कर सकते, 6 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय खेल का स्थान मैंने आपके लिए बनाया। आपने कहा सत्तारी झील इतने गांव को डुबो देती है, 3000 हेक्टेयर, 9 करोड़ रुपए दे करके सत्तारी झील को हम लोगों ने काबू में किया है। आपने कहा पुलिस के थाने नहीं लगे हैं, बदुआ कलां, धनपतगंज, शिवगढ़ तीनों को 10 करोड़ रुपए में हम लोगों ने लगाए। शहर का आपने बोला कि जाम होता है, कोई जा नहीं सकता है, ऊपर नीचे इतना खराब स्थिति है, उसको मैंने चौड़ा करके उसको सुंदर बनाया। आपने देखा है कि नहीं देखा है? आपने कहा कि हमको भी एक मंदिर चाहिए जो दूर से लोग आए देखने के लिए, अपने आप खड़े होकर के, सरकार से एक पैसा ना ले करके मैंने आपके लिए धोपाप का मंदिर बनाया है, और उसके साथ हमने धोपाप के साबुन बनाए, अगरबत्ती बनाए, पूजा का सामान बनाए, जो अब धड़ल्ले से बिक रहा है अयोध्या में भी यहाँ भी। आपने जो भी मांगा मैंने किया, लेकिन मेरा, मुझे गर्व है कि मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला था, हमेशा के लिए, सब के लिए। और आप लोग, एक कहानी बताती हूँ,
एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया रात के 11:30 बजे और मुझे कहता है कि मेनका जी मेरा नल टूट गया है और मेरे घर में कल शादी है, जरा मेरा नल ठीक करवाइए। अब मैं 11:30 बजे सोते सोते उठी, अगले दिन सुबह मैंने उसका नल ठीक करवा दिया, क्योंकि शादी तो शादी ही होती है। इतना शैतान आदमी अगले दिन मुझे 11:30 फिर फोन करता है कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नल ठीक किया। तब बस तो मुझे मिल बस सुल्तानपुर में। इस तरीके से मेरे लिए कोई छोटा काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। अगर लेखपाल नहीं आया गांव में तो मैं लेखपाल को भिजवाती हूँ। अगर कोई बीमार है और उनको खून की ज़रूरत है, केवल निषादों को अकेले मैंने 500 लीटर खून से ज़्यादा दिलवाया, क्योंकि उनके पास स्थिति नहीं है कि वो खून दे दें, और जॉन्डिस से बहुत बीमार पड़ते हैं। ये मैं एक दफ़ा औरतों के अस्पताल गई और वहाँ मुझे 5 मंजिल चढ़ना पड़ा। पता चला कि लिफ्ट 5 साल से खराब था, 1 महीने के अंदर अंदर वो लिफ्ट ठीक हो गई। तो ये कहने के एक दिन बर्जी जी मुझे ले गए दोस्तपुर के अस्पताल। वहाँ पानी की टंकी भी नहीं चल रही थी, बाथरूम भी काम नहीं कर रहा था, डॉक्टर आते नहीं थे। वहाँ इतनी स्थिति खराब थी कि अस्पताल बनाने लायक नहीं था, उसको भी हम लोगों ने सीधा किया। ये कहने की देर है, हमेशा और आइंदा भी ऐसे ही रहेगा कि आप बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, कुछ लेने नहीं आई, मैं देने आई। हाँ एक मिनट मुझे ख़त्म करने दो, फिर मुझे मिल लेना। मैं देने आई हूँ और मैंने कभी पूछा नहीं कौन किस जात का है, कौन किस कौम का, कौन वोट अभी देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मेरे जहन में तो आते ही नहीं। मैं केवल एक सवाल पूछती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, क्या मुसीबत है तुम्हारी, और उसी वक्त अगर मुसीबत ठीक हो सकती है तो हो जाती है। रास्ते में भी लोग मुझे रोक करके बोलते हैं कि ये करिए वो करिए, हम देर नहीं करते हैं, गाड़ी में भी बैठ करके फ़ोन करके ये काम करवाते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा बोल चुकी हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, और मैं प्रधान जी का कि बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मंडल अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का, और आपके सारे जो प्रधान आए हैं। ये इलेक्शन में आप लोगों को सेवक चाहिए तो कमल के फूल में, मुझे ही नहीं मोदी जी को आपकी ज़रूरत है अपना झंडा लहराने के लिए, ताकि देश की तरक्की हो जाए। मेरा बहुत बहुत प्यार, आप लोग फलो फूलो और खुश रहो। जय हिंद।